आज दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह। कहते हैं दोस्तों हर कचरे का दिन आता है, तो बीकेसीबी दोस्तों कभी कचरे का ढेर हुआ करता था, लेकिन अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चलने वाले मुंबई की एक बेहद ही फेमस इलाका बांद्रा में। वैसे बांद्रा में दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत सारे सुपरस्टार का घर है, लेकिन फिलहाल दोस्तों हम आपको सुपरस्टार का घर नहीं दिखाने जा रहे हैं और हम चल रहे हैं दोस्तों बांद्रा सजम एरिया में। और फिलहाल दोस्तों अभी मैं कुरजा रेलवे स्टेशन पर था। ये दोस्तों यहाँ की ब्रिज देख सकते हैं और यहाँ का दोस्तों कुछ आप इधर का नज़ारा देख सकते हैं। जो सामने की तरफ दोस्तों आप देख पा रहे होंगे वो आपकी कुरजा पहाड़ी है। और अभी ट्रेन से नहीं जाने वाले हैं और हम जाने वाले हैं बाई बस। फिलहाल दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कुरजा स्टेशन के बाहर, विदाउट टिकट था। वैसे मैंने सिर्फ ब्रिज ही क्रॉस किया, लेकिन दोस्तों वो भी नहीं करना चाहिए था, अगर टीटी पकड़ता तो भाई चार्जेस मार देता। और बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पर एक चीज़ ये नोटिस किया, ये इस तरह की आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ होती हैं दोस्तों यूयो करके, ये इसे बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ दोस्तों इस टाइम पे फूड डिलीवरी वगैरह भी करते हैं। वो देखिए उस पर जोमेटो वगैरह की जगह है। और ये मिनट का जो होता है इसका 2 रुपये चार्ज होता है, एक मिनट का दोस्तों 2 रुपये चार्ज होता है। फिलहाल मैं सोचा था अभी इससे जाने के लिए, मैं कहा कि छोड़ो यार अभी जाने देते हैं। और बाकी अभी मुंबई में दोस्तों आपको हर जगह इस तरह से आपको छाता वगैरह की दुकान वगैरह दिखाई देंगे, ज़्यादातर जगह दोस्तों अभी छाता का सीज़न आ गया भाई। मतलब तो मुंबई में ना बारिश जब होने लग जाती है भाई तो कंटिन्यूसली बारिश ही बारिश। अभी दुकान चाहे मोबाइल की हो चाहे जिस तरह की हो, अभी दोस्तों कुरजा में आपको लगभग हर जगह दोस्तों आपको छाते की दुकानें ज़रूर दिख जाएंगी। बाकी ये देखो कुरजा वेस्ट स्टेशन के जस्ट दोस्तों मैं बाहर के अभी एरिए में हूँ, इस तरह का दोस्तों यहाँ पर कुछ मार्केट वगैरह है। बाकी ये दोस्तों हम मार्केट देखते हुए अभी हम सीधा निकलने वाले हैं। जैसा कि मैंने बोला है दोस्तों आज हम बांद्रा ही चलेंगे, बांद्रा का ही एरिया को कवर करेंगे। बाकी यहाँ का मार्केट दोस्तों वाकई काफ़ी अच्छा है, आप चाहे तो यहाँ पे कुछ सामान वगैरह खरीदेंगे तो आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है। हाँ ठीक है, जब भाई सस्ता मिलेगा तो क्वालिटी का इशू आएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से अभी छाटते वगैरह दिख रहे हैं। बाकी दोस्तों मैं कुरजा में एक जगह और मैं आपको बताऊँ, यहाँ जूस की दुकानें इस तरह से आपको हर जगह मिलेंगी और बहुत भीड़ होती है। और बाकी ये देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से यहाँ पे आपको साइड साइड से कपड़े की दुकानें मिलेंगी जो इस तरह से, ये पूरा यहाँ पे मार्केट है कुरजा का ही। और यहाँ पे इस तरह से दोस्तों आपको मिलते हैं कपड़े वगैरह, वाकई वाकई दोस्तों सस्ते तो मिलते हैं, थोड़ा क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, सब कुछ अच्छा तो नहीं मिल सकता। बाकी दोस्तों मैं यहाँ पर एक जूस की दुकान आपको दिखाता हूँ, भाई 20 रुपये का जूस देता है, लेकिन यहाँ पे भीड़ दोस्तों दबा के रहती है। ये कुरजा के दोस्तों एक कॉर्नर पे आपको ये दुकान मिलेगी, यहाँ पे देख रहे हैं भाई इस जूस की दुकान की मैं बात करूँ दोस्तों ना, अक्सर यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी रहती है। एक दुकान यहाँ पे है दोस्तों, एक दुकान यहाँ पे है, दो दुकानें हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर भीड़ रहती है। वजह यह है दोस्तों ये भी सस्ता ही देता है, अब 20 रुपये का देता है, उसमें पूरा मस्त एकदम दोस्तों आम का होता है और उसमें मतलब वो क्या कहते हैं तरबूज खरबूज का जो होता है पीसेस काट के वो डालता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, तो कुछ इस तरह के सीन्स है। और बाकी दोस्तों अभी मैं यहाँ के बस स्टैंड पे आ चुका हूँ, अभी मैं देखता हूँ दोस्तों बस कहाँ से मिलेगी। और दोस्तों मुझे जाना है डबल डेकर बस से ही, तो अभी यहाँ पर कोई डबल डेकर बस आई नहीं है, लेकिन दोस्तों मुझे इतना पक्का यकीन है कि बांद्रा के लिए डबल डेकर रूट बस ही जाती है। तो यहाँ पे पूरा दोस्तों यहाँ से आगे तक का लाइन जगह है। अभी दोस्तों मैं कुरजा वेस्ट में हूँ, ये पूरा दोस्तों आप जो एरिया देख रहे हैं ये पूरा वेस्ट का एरिया है, तो देखते हैं दोस्तों आगे के साइड शायद हमें बसें मिल जाएं, वो हमें पूछना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा। पता करते हैं दोस्तों, बस में बैठते हैं, चलते हैं बांद्रा की दोस्तों आपको ज़िंदगी दिखाते हैं, वहाँ का लाइफ दिखाते हैं। और बांद्रा में जाते हुए दोस्तों हम आपको बीकेसी दिखाते हैं। कहते हैं दोस्तों हर कचरे का दिन आता है, तो बीकेसीबी दोस्तों कभी कचरे का ढेर हुआ करता था, लेकिन आज दोस्तों मुंबई का सबसे फास्ट इलाका बना हुआ है, जितने बड़े बड़े ऑफिसेज हैं सब बीकेसी में दोस्तों आए हुए हैं। तो भाई उससे पूछना पड़ेगा दोस्तों कि भाई ये बांद्रा की ये बस कहाँ से मिलती है भैया, ये बांद्रा की ये बस कहाँ से मिलेगी, कौन सही जाएगी क्या, वो डबल डेकर वाली नहीं चल रही क्या आजकल? हाँ तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं भैया से मिला था, तो भैया कह रहे हैं कि अभी इंतज़ार करो तब डबल डेकर बस आएगी। तो भाई साहब अब आपका नाम क्या है भाई? आमिर भाई हैं। और आमिर भाई आप कहाँ से हैं? कुल्ला से ही। कुल्ला से हैं, तो अभी दोस्तों हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। भाई साहब बता रहे हैं 310 नंबर की बसें जाती हैं, ये भी 310 की नंबर की बसें, लेकिन दोस्तों मुझे इंतज़ार करना है डबल डेकर बस का, क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस करना है और आपसे भी करवाना है।
तो फिलहाल दोस्तों आज संडे है और मुंबई में देख पा रहे होंगे दोस्तों रोडों पे कितनी शांति है। ये रोड दोस्तों हमेशा जहाँ भरा हुआ करती थी वहाँ भी यहाँ कोई दिख नहीं रहा। ऐसा भी आमिर भाई हमसे मिले थे, वो बताने लगे कि भाई संडे है आज थोड़ा लेट ही बस आएंगे। नहीं तो भाई मैं मतलब यहाँ पे देख रहे हैं अभी आपको ना तो गाड़ी दिख रही ना तो ज़्यादा पब्लिक दिख रही है, इक्का दुक्का दिख रहे हैं, दुकानें खुली हैं तो वो इक्का दुक्का दोस्तों खैर हमेशा ही दिखते हैं, हर रोडों पर दिखते हैं लेकिन अभी यहाँ नहीं दिख रहे यार। ये सोचने वाली बात है, कुरजा जो कि एकदम क्राउडेड एरिया है भाई, यहाँ पे भीड़ भर भर के हुआ करती है और यहाँ पे बसें एक जाती है एक लाइन में लगी रहती है, लेकिन अभी बसें काफ़ी देर तक दोस्तों खड़ी होके जा रही हैं। मतलब बसें खड़ी होती नहीं है कि लोग यूँ खचाखच भर जाते हैं 5 मिनट में। तो फिलहाल दोस्तों काफ़ी टाइम इंतजार करने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि दोस्तों आज डबल डेकर रूट बस आएगी। तो फिलहाल दोस्तों अभी हमें सिंगल मतलब क्या है सिंगल डेकर बस से ही जाना पड़ेगा, सिंगल फ्लोर की बस है दोस्तों, इसी से हम जाते हैं क्योंकि दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से भी इंतजार कर रहा था कि डबल डेकर रूट बस आ जाए लेकिन अभी आया नहीं। तो फटाफट दोस्तों जाते हैं हम इसमें 300 रुपये है ना, ये काफ़ी लंबा इंतज़ार करने के बाद भी भाई वो बस आती नहीं दिख रही थी। तो फाइनली दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि मैं वो किसी नेक्स्ट वीडियोस में वो सारी चीज़ें कवर करूँगा और क्योंकि अभी तो नहीं आई फिलहाल तो सिंगल फ्लोर बस से ही जाना पड़ेगा दोस्तों। बाकी अभी ये देख सकते हैं दोस्तों इस तरह की यहाँ की बसें होती हैं। अभी यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है, काफ़ी भीड़ भाड़ तो नहीं है दोस्तों क्योंकि आज संडे का दिन है तो इस वजह से अभी ज़्यादातर पब्लिक अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। बस ने ड्रॉप कर दिया है बांद्रा टर्मिनस, बोले दोस्तों ये सामने की तरफ देख रहे होंगे ना ये आपका पूरा बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन है। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी बस से ड्रॉप हो चुका हूँ बांद्रा टर्मिनस से, जैसा कि दोस्तों मैं अभी आपको पूरा बीकेसी का एरिया दिखाते हुए आया। दोस्तों कहते हैं बीकेसी कभी कचरों का ढेर हुआ करता था, वहाँ पे जो दोस्त मतलब कचरा वगैरह फेंकते थे, लेकिन कहते हैं ना वक्त बदलता है यार, वाकई उसका वक्त बदला, आज मुंबई का सबसे वीआईपी एरिया बन गया है। वैसे दोस्तों ये देख सकते हैं ये आपका बांद्रा टर्मिनस का फिलहाल स्टेशन है और अभी दोस्तों उसके बगल से ही ये ब्रिज जाता है, ये इधर देखेंगे पूरा स्टेशन है, इधर बगल से ब्रिज जाता है या फिर इसी ब्रिज से होते हुए दोस्तों मैं मेन जा रहा हूँ बांद्रा मतलब लोकल ट्रेन की तरफ जिधर से दोस्तों हमें लोकल ट्रेन वगैरह मिलती है। और बाकी का दोस्तों मैं अभी आपको इस ब्रिज से भी बांद्रा का कुछ नज़ारा वगैरह दिखा सकूं तो दिखाने का प्रयास करूंगा। आज रेडी दोस्तों मैंने एक दो वीडियो बनाई है बांद्रा की लेकिन फिर से मैं आया हूं वापस से दोस्तों यहां पे कुछ मैं आपको अलग चीज़ें दिखा सकूं तो बस मेरा मकसद यही था। और फटाफट दोस्तों मैं यहाँ से निकल आया हूँ। इस तरह से भी दोस्तों यहाँ पर रास्ते हैं आप पकड़ के निकल सकते हैं उधर बांद्रा की तरफ। तो फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं बांद्रा ब्रिज के ऊपर से मतलब बोले दोस्तों जो स्टेशन है बांद्रा टर्मिनस बोलते हैं ये दोस्तों मतलब अगर जैसे किसी को गांव वगैरह जाना हो तो यहां से जाता है, बाकी लोकल का सफ़र करने के लिए आगे पैदल चल के हमें जाना होता है। मैं जानबूझ के दोस्तों बांद्रा टर्मिनस पर उतरा, रुक रही थी बस लोकल के पास भी लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं उधर नहीं गया। बाकी दोस्तों मैं यहाँ से आपको नज़ारा दिखाते हुए चलता हूँ, ये बांद्रा का ही पूरा एरिया है जैसा कि दोस्तों इधर देख सकते हैं आगे की तरफ झोपड़पट्टियाँ दिख रही होंगी, पीछे की तरफ दोस्तों बिल्डिंगें दिख रही होंगी, उधर जैसे ही आप थोड़ा सा क्रॉस करेंगे वो पूरा का पूरा बीकेसी एरिया है जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखाया भी कि वो कितना वीआईपी एरिया है कि कहते नहीं कचरों का दिन आता है तो दोस्तों कुछ इस तरह से कचरे का दिन लौटा और वहाँ पर आज पूरे यमनसी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ दोस्तों उसके ऑफिस वगैरह हैं। बाकी यहाँ से ये सीन देखिए ये पूरा बांद्रा की झोपड़पट्टियाँ हैं। यहाँ पे दोस्तों वो सामने की तरफ कुछ घरें हैं और बगल में ही दोस्तों ये जो देख रहे हैं ना नाला है और नाले के ऊपर भी लोगों ने दोस्तों घर बनाया हुआ है। यहाँ पे मुझे ऐसा डाउट हो रहा है वो घर ऊपर शायद बनी हुई हैं। ये देखिए यहाँ का नज़ारा फिलहाल। और दोस्तों भी हम चलते हैं फटाफट बांद्रा लोकल ट्रेन वगैरह जिधर मिली थी उस साइड में वहाँ का भी दोस्तों हम कुछ सीन्स देखते हैं नज़ारा वगैरह देखते हैं और फिर दोस्तों हम आगे की तरफ मूव हो जाते हैं। अगर हो सकता है दोस्तों हम इन एरियों को भी अभी पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ पे रहना कितना महंगा और सस्ता है। वैसे दोस्तों ये एरिया वाकई काफ़ी वीआईपी और काफ़ी महंगे एरियों में आता होगा। और फटाफट दोस्तों अभी हम ये पटरी है दोस्तों, यही पटरी मैं पिछली बार जब वीडियो बनाया था सामने की तरफ दोस्तों जो देख रहे हैं वो पूरी पटरी है, उसी पटरी को दोस्तों मैं पकड़ते हुए आगे की तरफ गया था जो मैंने आपको दिखाया था कि कितना पटरियों पे कचरा वगैरह फैला था। बाकी दोस्तों उसकी भी फुटेज है, उसकी भी वीडियोस हैं,
मैं वो आपको लगा दूंगा साथ ही साथ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से ये नीचे की तरफ देखेंगे ना दोस्तों, पूरा पटरी वगैरह है और यहाँ पे भी पटरियों के किनारे किनारे से दोस्तों फिलहाल इस तरह से घरे हैं। तो सामने की तरफ देखिए, एक बच्चे झाग रही है अपने घर में से। तो ये है दोस्तों नज़ारा, और ट्रेन भी आ रहा है दोस्तों। वाह यार, ये चीज़ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इन घरों के बीच से दोस्तों ट्रेनें कैसे गुजरती हैं, कितना खतरनाक माहौल होता होगा। वो सामने की तरफ से दोस्तों ट्रेन अभी फिलहाल हारन मारता हुआ आ रहा है। हम यहीं पे खड़े होते हैं, वो चीज़ हम ये आपको यहीं से दिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल दोस्तों वो सामने आ रही है ट्रेन, इन पटरियों पे होते हुए दोस्तों आगे की तरफ फिलहाल चली जाएगी। वेट करते हैं, आ जाए। आ रही है यार। बाकी यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे दोस्तों, बहुत सारे बच्चे वगैरह भी अभी खेल रहे हैं इन्हीं पटरियों पे, और वो सामने की तरफ से ट्रेनें आ रही हैं। देखिए यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, तो पीछे की तरफ भी दोस्तों ये कुछ बच्चे हैं। और यही पटरी पकड़ के दोस्तों मैं आगे चले जाओगे, आगे बांद्रा टर्मिनल से ये ट्रेन भाई। ये दोस्तों मुझे वहाँ की याद दे जाती है। अगर दोस्तों आपने सुना होगा, ट्रेन नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ इंजन है जो कि अभी दोस्तों इस तरह से पटरी पर आ रही है काफ़ी स्लो मोशन में। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से, देख सकते हैं कुछ इस तरह से इन सजम बस्तियों के होते हुए जा रही है ट्रेनें गुजर चुके हैं। अब ये होते हुए दोस्तों निकल जाएगी बांद्रा टर्मिनल की तरफ। ये पहली बार दोस्तों मैं इंजन देख रहा हूँ इतनी ऊपर से, वो भी डबल इंजन है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इंजन है। और बगल में देख रहे हैं दोस्तों, एकदम जरा सा उसका गेट भी खीजेगा तो पतरे से टच होते हुए जाएगा। ये देखिए वो बच्चे जो भी जा रहे हैं हर गाड़ी को देख के। वाह यार, ये वाकई दोस्तों काफ़ी खतरनाक नज़ारा है। लोग आए जा रहे हैं दोस्तों, आए जा रहे हैं उधर से देखेंगे सामने की तरफ। देखिए दोस्तों ये फिलहाल अभी यहाँ से इस तरह से ट्रेन ये गुजर गई। बाकी जैसा आप देख सकते हैं सामने की तरफ बच्चे वगैरह थे, अभी यहीं पर खेल रहे हैं इधर के बच्चे उधर के बच्चे। पूरा मतलब यार गजब का सीन होता होगा, मतलब डर भी नहीं लगता यार। खैर ट्रेन बहुत आराम से जाती है दोस्तों, मतलब लोग टाइम से घर के अंदर घुस जाते होंगे। बाकी ये देखिए दोस्तों, यहाँ से इस तरह से बच्चे वगैरह खेलते हुए जा रहे हैं। बाकी ये दोस्तों मैंने आपको खतरनाक नज़ारा दिखाया। फिलहाल दोस्तों मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्पेशली देखने की कोशिश करने आया था और वो मुझे दिख गई। मैं काफ़ी टाइम दोस्तों इन पटरियों के आसपास जगह एक्सप्लोर करते हुए घूमते हुए गया हूँ, लेकिन ये नज़ारा ना यहाँ मुझे नहीं दिखा था जल्दी, लेकिन फिलहाल दोस्तों आज मुझे दिखा। ये शायद मेरा आज का अच्छा दिन ही रहा होगा कि मुझे ये सी चीज़ें दिख पाई, मैं आपको दिखा पाया, बस ये मेरे सौभाग्य की बात है। बाकी दोस्तों यहाँ पे इस तरह से पूरा चारों तरफ से सजम बस्तियाँ हैं। अभी हम दोस्तों नीचे से जाएंगे, पूरा थोड़ा सा नीचे का भी एरिया दिखाएंगे। ये है बस्ती दोस्तों, ये पूरा भी रोड किनारे से है। अभी तीन तीन चार चार फ्लोर के दोस्तों इस तरह से पूरा यहाँ पे घरे वगैरह बनी हुई हैं, पक्की घरे भी हैं, पतरे की भी घरे हैं। तो फिलहाल तो सभी आप देख पा रहे होंगे ये पूरा आपका बांद्रा लोकल का एरिया है। यहाँ पे सामने की तरफ अगर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारी लोकल ट्रेनें खड़ी हैं, मतलब ये पूरा कनेक्टेड एरिया है। आप इधर से आगे CST चले जाएंगे, इधर से पीछे चले जाएंगे दोस्तों चर्च गेट जाएंगे, चर्च गेट CST इधर से आगे की तरफ निकल जाएंगे, और पीछे की तरफ दोस्तों वसई विरार है। और बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कितना मतलब ख़तरनाक नज़ारा है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरह से पटरियों पर फिलहाल बैठ के अपने लाइफ की सारी एक्टिविटी वगैरह दोस्तों फिलहाल वो अभी यहाँ पे ही कर रहे हैं। बाकी ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरी पटरियाँ हैं। अभी जो मैंने आपको इंजन दिखाया था दोस्तों, इसी पटरियों से होते हुए जा रही थी, और अभी दोस्तों हम उतरते हैं इसी पटरी से और थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। वहाँ पर ब्रिज है, और ब्रिज क्रॉस करके दोस्तों हम चलते हैं अभी वेस्ट में। अभी ये दोस्तों ये जो एरिया है ये ईस्ट का एरिया है, बांद्रा ईस्ट का ये पूरा एरिया है, जैसा कि मैं फिलहाल अभी आपको दिखा पा रहा हूँ। बाकी यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा कचरा वगैरह भी फैला है, पता नहीं दोस्तों यहाँ पे साफ़ सफाई होती भी है या नहीं। लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा कचरा वगैरह भी कर रखा है, लोगों ने कर रखा है, अब सफाई होती है या नहीं ये दोस्तों इसके बारे में फिलहाल मुझे आइडिया नहीं है। चलते हैं अभी हम उधर आगे की तरफ और देखते हैं उधर का नज़ारा वगैरह क्या है, क्या सीन्स है दोस्तों फिलहाल उधर आगे की तरफ की। तो दिखाते हुए दोस्तों हम इधर ही से अभी निकलेंगे थोड़ा और आगे की तरफ, उधर भी पटरियां हैं दोस्तों, उधर भी किनारे किनारे काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी गंदा सीन्स है दोस्तों फिलहाल उधर का। तो ये सारी चीज़ें मैं फिलहाल दोस्तों आपको दिखा पाऊँ इसलिए दोस्तों मैं अभी फिलहाल बांद्रा के एरिए में आया था। जैसे कि दोस्तों अभी मैं दिखाया बांद्रा का ही BKC है, मतलब बांद्रा कुर्जा के बीच में वो BKC का एरिया पड़ता है, कितना VIP एरिया है दोस्तों।
पहले दोस्तों कभी जो कहते थे इसी तरह से वो भी एरिया रहा करता था, ये जिसे आप सामने की तरफ देख रहे हैं ना पूरा कचर पट्टी फैला हुआ, वो भी दोस्तों कुछ उसी तरह का एरिया हुआ करता था आज से करीबन 10-15 साल पहले दोस्तों, ज़्यादा दिन की बात भी नहीं है। मेरे दोस्त वगैरह जो अभी यहाँ पे रहते हैं वो बता रहे थे भाई मैं जब इधर आता था ना तो वो बनना स्टार्ट हुआ था, तब यहाँ पर पूरा इसी तरफ से कचरा वगैरह फैला हुआ करता था, लेकिन आज बिकेसी हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों बांद्रा का इन एरिए का दिन कब उड़ता है, अभी तो फिलहाल यहाँ पर दोस्तों काफ़ी कचरा वगैरह है और देखते हैं दोस्तों इधर आने वाले वक्त में क्या इम्प्रूवमेंट वगैरह होती है। वैसे होना चाहिए दोस्तों, इधर वाकई काफ़ी लोगों की लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगल भरी होती है, जैसे मुंबई की दोस्तों ऐसे ही लाइफ होती है यार, मतलब 50-60% लोग ना भाई इसी तरह से रहते हैं, कुछ हैं जो बहुत अच्छी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं मुंबई में दोस्तों और यहीं से उठ के वो भी बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन तक पहुँचे हुए हैं, इसी लाइफ से दोस्तों उठ के अच्छे अच्छे पोजीशन तक पहुँचे हैं। वैसे मुंबई दोस्तों जिसको उठाती है बहुत ऊपर तक खैर उठा ही देती है, ऐसा लोगों को कहना है, यहाँ पे बगैर स्ट्रगल के दोस्तों कोई कहानी नहीं बन सकती। मुंबई में कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो कि लोगों के द्वारा कही जाती हैं ये बातें जो मैं फिलहाल आपको अभी बता रहा हूँ। तो फटाफट दोस्तों चलते हैं, अभी हम इस तरह से ये नीचे का एरिया इधर से पूरा कवर करते हुए हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा चाय वगैरह उधर पीते हैं और उधर की भी थोड़ी बहुत दोस्तों हम एक्टिविटी वगैरह लाइफ वगैरह देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग दोस्तों इसी पटरियों के आसपास बैठ के पूरा अपना टाइम वगैरह एक्सपेंड कर रहे हैं। तो फटाफट दोस्तों हम चलते हैं अभी नीचे की तरफ, थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं और ये पटरियों का लाइफ आपको दिखाते हुए दोस्तों हम यहाँ से निकलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी मैं आ गया आज रेडी पटरी पे, अभी इसी से ट्रेन जा रही थी, अभी मैं इसी पे घूम रहा हूँ, लेकिन लोग रहते हैं तो हम भी जा रहे हैं दोस्तों, इसमें कोई वो इसी बात तो है नहीं, पूरा बाकी ये पूरा इधर का एरिया है। मैं अक्सर दोस्तों आपको ये जो कभी बांद्रा वगैरह में घूमता था वो सारी चीज़ें आपको उस एरिए से दिखाता था वो पटरी के वो स्टेशन के ऊपर से, लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी मैं इस तरह से नीचे से होते हुए निकल रहा हूँ आगे की तरफ और इधर दोस्तों पूरा आपका स्टेशन है और निकल जाऊँगा मैं अभी स्टेशन की तरफ। सभी लोग बड़े सुकून से बैठे हुए थे, मैं भी गया, मैं भी थोड़ी देर बैठता हूँ, जैसा कि दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सभी लोग इस तरह से आराम से बैठे हैं इधर पटरी के किनारे, जैसा कि दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ ये पीछे की तरफ देखेंगे दोस्तों ये पूरा स्टेशन का एरिया है, ये पूरा स्टेशन है और इधर से दोस्तों ये पूरा सजाम बस्तियाँ हैं जो कि इस तरह से झुग्गी बस्तियों में रह रही हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने घरों का एक कलर जो नोटिस किया है, सारे घरों का दोस्तों कलर एक ही तरह का है, सभी घरों में दोस्तों एक ही चीज़ मिलेगा आपको, पतरे का घर है और नीचे है दीवारें वगैरह हैं दोस्तों, नीचे दीवार है लेकिन ऊपर के जो सारे आपको उनका स्ट्रक्चर दिखाई देगा पतरा ही दिखाई देगा। बाकी दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा इधर का इस तरह से एरिया है, फिर ये पीछे की तरफ से दोस्तों यहाँ से ट्रेनें वगैरह आती जाती हैं, ये काफ़ी बिजीएस्ट रूट है, ऐसा नहीं है दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक दो ट्रेनें ही आती जाती होंगी, यहाँ पर दोस्तों हमेशा कुछ ना कुछ ट्रेनें चलती ही रहती हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर भी मैं थोड़ी देर सुकून से बैठता हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ से आगे की तरफ मूव होता हूँ।